हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आज आप सभी का इंग्लिश लिटरेचर के फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, जैसे हमारे के होते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा एंड फॉर्म्स ऑफ प्रोज। उसके आज हम मिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और आज के इस लेसन में कुल 30 हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। और इस तरह के और भी वीडियोज़ आगे आएंगे जिसमें आप फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के एमसीक्यू क्वेश्चन के तहत अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन एक्सप्लेनेटरी नोट और साइटेशन सेट एट द फुट ऑफ अ पेज और टेबल इज़ नोन एज। कुछ हमारे लिटरेरी टर्म भी हैं प्लस इसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के क्वेश्चन तो हैं ही। तो ये देखिए, जो हमारा जो बुक होता है फ्रेंड्स, उसका जो पेज होता है उसमें जो नीचे साइटेशन जो लिखा होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो वही है इसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है फुट नोट। ठीक है, जो नीचे पेज और टेबल जो होता है इंडेक्स में, जो नीचे जो लिखा होता है कुछ भी नोट या कुछ बात, तो उसको कहते हैं फुट नोट। ठीक है, एन एक्सप्लेनेटरी नोट, एक्सप्लेनेशन करने के लिए कुछ नोट लिखा होता है, साइटेशन सेट एट द फुट ऑफ अ पेज, पेज के नीचे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स टू अ बुक स्पेशली रिटन बाय अ पर्सन अदर देन द ऑथर ऑफ अ बुक इन विच इट इज अपियरेंस। देखिए, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, किसी भी बुक, जो हमारी बुक स्टार्ट होती है तो जब उसके उसका ऑथर ने नहीं लिखा होता, किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है उसका प्रस्तावना, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स। ठीक है, अदर देन द ऑथर, ऑथर के अलावा कोई और व्यक्ति लिखता है उसमें, उस बुक के बारे में वो बताता है कि क्या है इस बुक में, प्लस उसके लेखक के बारे में कुछ जानकारी हमें देता है, तो उसे हम उस लेख को क्या कहते हैं। ठीक है, और आपने खुद भी देखा होगा जो हमारे बुक्स होते हैं क्लासेस के, एनसीईआरटी के जो हमारे 10th और 12th के जो बुक्स हैं, उन सब में फॉरवर्ड होता है आगे। ठीक है, उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है उस बुक के बारे में, इस बुक में क्या क्या है, तो वही उसको कहते हैं हम लोग इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारा है, अ काइंड ऑफ वर्ड्स विदाउट ऑब्जर्विंग द स्ट्रिक्ट लॉज ऑफ फॉर्म इज नोन एज। देखिए, वर्ड्स है काइंड, वर्ड्स का काइंड है विदाउट ऑब्जर्विंग द स्ट्रिक्ट लॉ, बिना लॉ के, जो लॉ को फॉलो नहीं करता, जो नियमों को फॉलो नहीं करते हुए यूँ ही लिख दी जाती है वर्ड्स, काव्य, तो उसको कहते हैं हम लोग फ्री वर्ड्स। ठीक है, उसमें कोई तुकबंदी नहीं, कोई राइमिंग्स नहीं होती है, तो फ्री वर्ड्स उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, डैश इज रिटन इज एनी ग्रुपिंग ऑफ लाइन्स इन अ सेपरेट यूनिट इज अ पोयम। इसका आंसर हमारा है स्टेंजा, स्टेंजा इज रिटन इन एनी ग्रुपिंग ऑफ लाइन। देखिए, लाइन की ग्रुपिंग हो गई तो उसको हम क्या कह सकते हैं, स्टेंजा। और स्टेंजा एक यूनिट, अगर इस तरह से स्टेंजा लिख दिए जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इज अ पोयम। ठीक है, तो इस तरह से हमारी पोयम होती है ना, लाइन्स ऑफ ग्रुपिंग बनती है तो स्टेंजा होता है इस तरह से। द वन सिंगल वर्ड विच शोज इट्स ग्रामेटिकल रिलेशन टू टू और थ्री वर्ड्स। सिंगल वर्ड्स होता है जो ग्रामेटिकल रिलेशन को टू और थ्री वर्ड्स रिलेशन को शो करता है, तो उसको हम कहते हैं ज़िग्मा। एक तरह की फिगर ऑफ स्पीच भी है फ्रेंड्स ये। तो वन सिंगल वर्ड शो इट्स ग्रामेटिकल रिलेशन टू टू और थ्री वर्ड्स, ज़िग्मा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द फोर मेन नरेटिव जैनर्स ऑफ लिटरेचर आर कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी एंड आयरनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोर मेन जेनर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, कौन कौन से हैं, कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी तो है ही, ये तो हम सभी जानते हैं, और फोर्थ वन इज़ आयरनी। नेक्स्ट वन इज़ शेक्सपीरियन सोनेट हैज़ टू पार्ट्स, द फर्स्ट हैज़ डैश लाइन्स एंड द सेकेंड पार्ट हैज़ डैश लाइन्स। फर्स्ट पार्ट में होती है उनकी 12 लाइन और सेकेंड पार्ट में होती है 2 लाइन्स, तो हमारे सोनेट हो जाता है 14 लाइन का, ये हम सभी जानते हैं 14 लाइन का सोनेट है। ठीक है, और ये जो 12 लाइन होती हैं तो ये 4-4 के ग्रुप में होती हैं, और इस 4 के ग्रुप को कहते हैं क्वाट्रेन। तो 3 क्वाट्रेन होते हैं, यानी कि 4 3 12, 12 लाइन ये हो गई और 2 हमारी लास्ट में हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। और जिसको जो लास्ट में जो 2 लाइन होती है उसे कपलेट बोलते हैं, तो वही हमारा क्वेश्चन है ये वाला। द सेकेंड पार्ट ऑफ अ शेक्सपीरियन सोनेट, सेकेंड पार्ट कौन सा है, जो 2 लाइन होती हैं, दैट इज सेकेंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में 12 लाइन, तो जो 2 लाइन होती हैं उसको कहते हैं हम लोग कपलेट। और फर्स्ट पार्ट में जो 12 लाइन होती हैं तो वो 4-4 के ग्रुप में होती हैं, उस 4-4 के ग्रुप को हम कहते हैं क्वाट्रेन। नेक्स्ट हमारा है, अ पेट्रार्कन सोनेट हैज़ 2 पार्ट्स, दे आर। पेट्रार्कन सोनेट के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टिस। ऑक्टेव 8 लाइन का होता है, सेस्टिस 6 लाइन का होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन ओड इज, ओड का मेन फीचर क्या है, कि वो ओड है, कैसे पता चलेगा हमें, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, उसमें किसी को संबोधन करके ओट लिखे जाते हैं। ऐसी कविता जिसमें किसी को संबोधित किया जा रहा है किसी के द्वारा, वो हमें ओट, उसको हम कहते हैं। पिंडारिक ओड हैज़ 3 पार्ट्स, पिंडारिक ओड के 3 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ एंड ईपोड। अ मॉक हीरोइक पोएम इज रिटन इन अ नॉन सीरियस मूड, आंसर इसका नॉन सीरियस है। क्यों, मॉक हीरोइक पोएम, मॉक का मतलब होता है मजाक करना, ठीक है, मजाक, हंसी
और व्यंग तो यही है हमारा। तो जब मजाक है तो सीरियस तो होंगे नहीं, वो तो नॉन सीरियस पोयम होती है जो कि लिखी जाती है मॉक पोयम, उसे हम कहते हैं मॉक हीरोइक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ लिरिक, लिरिक की क्वालिटी कौन सी नहीं है। अब देखिए, लिरिक इज़ अ शॉर्ट पोयम, ये ठीक है। अ लिरिक मस्ट हैव अ म्यूजिकल क्वालिटी, लिरिक में म्यूजिकल क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। जो गीत गाते हैं उसमें म्यूजिक होना ज़रूरी है। और नंबर फोर देख लेती हैं, अ लिरिक मस्ट एक्सप्रेस एनी वन सिंगल इमोशन। और लिरिक ऐसे होते हैं जो किसी एक ही व्यक्ति के सिंगल जो उसके इमोशंस होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। तो उसका थर्ड वाला आंसर होगा हमारा सही, कि ये आंसर नहीं है। अ लिरिक इज़ अ एसेंशियली आर डायडेक्टिक पोयम, ये आंसर गलत है, ये आंसर नहीं है, ये लिरिक की विशेषता नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा, द आइडियल्स आर नोन टू हैव बीन ओरिजिनेटेड बाय द ग्रीक पोएट। आइडियल्स जो हमारा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, तो ये किसके द्वारा ओरिजिनेटेड माना जाता है, कौन से वो ग्रीक पोएट हैं। तो वो आंसर उसका है थियोक्रेटस इसका आंसर है, जिन्होंने एडल का ओरिजिनेटर, इनका द्वारा माना जाता है ग्रीक पोएट है ये। द मोस्ट रिमार्केबल पेस्टोरल प्ले ऑफ शेक्सपियर इज एज यू लाइक इट। शेक्सपियर का सबसे ज़्यादा पेस्टोरल प्ले कौन सा रिमार्केबल, एज यू लाइक इट। द स्टेंजा ऑफ अ बैलेट हैज़, बैलेट के एक स्टेंजा में कितनी लाइन्स होती हैं, फोर लाइन्स होती हैं, जिन्हें हम क्वाड्रेन कहते हैं। फोर का मतलब ही क्वाड्रेन होता है, एट है तो ऑक्टेव, सिक्स है तो सेस्टेट। तो बैलेट में कितनी लाइन होती हैं, फोर लाइन होती हैं एक स्टेंजा में, बैलेट के एक स्टेंजा में फोर लाइन्स होती हैं। अ स्टेंजा ऑफ अ बैलेट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेन, और उस स्टैंडर्ड को हम क्वाड्रन कहते हैं। नेक्स्ट है, अ बैलेट इज रिटन इन आयम्बिक मीटर, बैलेट किस मीटर में लिखे जाते हैं, आयम्बिक मीटर में लिखे जाते हैं। अ बैलेट इज संग टू द अकम्पनीमेंट ऑफ अ डैश और अ फिडल, इसका आंसर है हार्प। हार्प मीन्स होती है वीणा, जो बजाते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वीणा, हार्प, तो वही है। अ बैलेट इज अ संग टू द अकम्पनीमेंट्स ऑफ अ हार्प और अ फिडल, ये ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, ऐसे पोएम्स होते हैं बैलेड, जो कि हार्प के साथ इनको गाया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इनको गाते हुए जाते हैं। द बैलेट सिंगर्स वर कॉल्ड एज मिंस्ट्रल, बैलेट सिंगर्स क्या कहलाते हैं, मिंस्ट्रल कहलाते हैं, जो जो लोग बैलेट्स गाते हैं उनको मिंस्ट्रल कहते हैं। अ सटायर डैश अ फॉली और वाइस ऑफ अ पर्सन और सोसाइटी। सटायर क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग व्यंग। ये सारे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के तहत, तो सारे वही हमारे सारे कुछ रिवीजन भी हो रहे हैं, सारे ही रिवीजन हो रहे हैं यहाँ पे हमारे। तो असटायर क्या होता है ना, व्यंग होता है, और इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं होता है ये फ्रेंड्स, पॉजिटिव वे में किसी की भी वाइस और किसी की जो बुराई है, वर्चूज़ है, किसी व्यक्ति की या किसी सोसाइटी की, उसको सामने लेकर आते हैं। तो ये रिटिकुल्स है, ठीक है, मजाकिया वे में, फॉली और वाइस ऑफ अ पर्सन और सोसाइटी, किसी व्यक्ति और सोसाइटी की वाइस या गुड दोषों को रिडिकुलस वे में सामने लेकर आते हैं लेखकों के द्वारा, तो वो सटायर हो जाता है। लेसीडास इज़ अ पेस्टोरल एलर्जी, ये एलर्जी है, ये पेस्टोरल एलर्जी है, इसका जो फॉर्म्स है वो पेस्टोरल एलर्जी है। अ कैटेस्ट्रॉफ इज़ द एंडिंग ऑफ अ ट्रेजेडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ट्रेजेडी में जो एंड होता है उसे हम कैटेस्ट्रॉफ कहते हैं, और जो कॉमेडी में एंड होता है उसे हम डिनोमेंट कहते हैं, ठीक है। आप देखिए, कैटास्ट्रॉफ सी से शुरू होता है तो इसका कॉमेडी नहीं है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, और डिनोमेंट्स कॉमेडी का एंड होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, एन एपिलॉग अपियर्स ऑफ सम ऑफ द प्लेस। एपिलॉग क्या होता है, एपिलॉग होता है फ्रेंड्स जो एंड में कंक्लूजन होता है ना किसी भी ड्रामा का, स्टोरी का, तो उसे हम एपिलॉग कहते हैं। तो एट द एंड आएगा इसका आंसर, एन एपिलॉग अपियर्स एट द एंड ऑफ सम ऑफ द प्लेस, प्लेस का जो एंड होता है उसे हम एपिलॉग कहते हैं। द मिस्ट्री प्लेस, द मिस्ट्री प्लेस डील्स विथ, देखिए मिस्ट्री प्लेस की मेन थीम क्या होती है, तो वो बिब्लिकल थीम्स होते हैं उनकी, ठीक है, धार्मिक जो मिस्ट्रीज होती हैं, धार्मिक ग्रंथों में जो ऐसे बातें होती हैं, वर्णित लेख कथाएं होती हैं मिस्ट्री वाली, तो वो मिस्ट्रीज प्ले हमारे उसमें उसके तहत माने जाते हैं, बिब्लिकल थीम पर ही आधारित होते हैं मिस्ट्री प्ले। नेक्स्ट हमारा, विच टाइप ऑफ प्ले इज़ नॉट मीन्ट फॉर एक्टिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत आता ही है कि ऐसे प्ले, मोस्टली ड्रामा प्ले जो लिखे जाते हैं उनको स्टेज पर एक्ट किया जाता है, बट ऐसे भी प्ले होते हैं जो एक्टिंग के लिए नहीं होते, आप सीधे उन्हें पढ़ सकते हो प्राइवेट में बैठकर, दैट इज़ कॉल्ड अ क्लोजेट प्ले, ठीक है, क्लोजेट प्ले उन्हें हम कहते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द मोरालिटी प्ले इज दैट, मोरालिटी प्ले क्या होता है, देखिए इसके नाम में छुपा है ना, मोरल नैतिकता, अच्छाई बुराई, तो बस वही है द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर, इसका मेन फीचर क्या है,
यही है, दे रिप्रेजेंट वर्च्यूज एंड वाइसेस एज पर्सोनिफाइड फिगर, किसी एक व्यक्ति की वर्च्यू और वाइस, गुण और दोषों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, कौन, मोरालिटी प्लेस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अ लिटरेरी टाइप सच एस एपिक, लिरिक, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इज, जो लिटरेरी टाइप होते हैं जो एपिक है, लिरिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ये सब क्या है, जैनर, इन्हें हम कहते हैं। अ एन अन इंटेलिजिबल स्पीच, मीनिंगलेस साउंड, इन आर्टिकुलेट चैटर इज नोन एज, मतलब व्यर्थ की बात है, इन आर्टिकुलेट मतलब बहुत धीरे से बोली जा रही है, मीनिंगलेस साउंड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अन इंटेलिजिबल है बिल्कुल, चैटर ऐसी जो गपशप है उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जिब्रिश, जिब्रिश कुछ ऐसे, ये सब इंग्लिश लिटरेरी टर्म होते हैं फ्रेंड्स, जिब्रिश है, सिग्मो है और जनर, हमें सब पता होना चाहिए इनके सारे जो भी शब्दकोश है इंग्लिश लिटरेचर में, जिससे हमें लिटरेचर के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग पता चलते हैं, तो ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं इंग्लिश लिटरेचर के फॉर्म्स के तहत। और टोटल हमारे 30 MCQ आज हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से 30-40 का वीडियो फिर लेकर आऊँगी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का, इसी तरह देखते रहिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए फ्रेंड्स, जय हिंद।